गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सारे? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। ये देखिए, अभी अभी सूर्य देव उदय हुए हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45, यानी कि 7:45 हो रहे हैं। और आज मौसम हल्का पार्टली क्लाउडी बोलते हैं ना, मतलब हल्के हल्के बादल वाला मौसम है। और ये देखिए, आज ग्राउंड साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि धुंध नहीं है। तो चलिए अंदर चल के चाय बनाते हैं, पानी पियेंगे पहले, गरम गुनगुना पानी। चलिए अब ब्लैक टी बनाते हैं, तो बन चुकी है चाय। चलिए अब कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं डाल के। तो ये बन गई हमारी ब्लैक टी, चलिए टी पीते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो अभी पंकज जो है जा चुके स्कूल, मतलब स्कूल अभी हमारे टेस्ट हो रहे थे हाफ ईयरली समझिए, तो वो ओवर हुए, तो आज उनकी क्लास है। फिर इसके बाद विंटर ब्रेक होगा, एक शॉर्ट ब्रेक होगा। तो सिया अभी अभी उठी है, बैठ के पानी पी रही है। तो मैं अब काम करूंगी वही शुरू, आपको दिखा दूं मैंने पर्दे, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे फोल्ड हो चुके हैं। और अभी घर बहुत वही होता है इस टाइम पे, गंदा हो जाता है। तो चलिए मैं कुछ काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। मिल तो खैर रही हूँ। तो आप लोगों के यहाँ सर्दी कैसी है, ठंड कैसी है, आप लोग मुझे बताइएगा। यहाँ तो आज बादल है बहुत, तो लग रहा है ऐसे कि मतलब कुछ दिनों में शायद बादल मेघराज जो है मूड बना रहे हैं बारिश की। तो चलिए फिर करती हूँ काम और मिलते हैं आपसे बीच बीच में। और गाजर के हलवा की रेसिपी कैसे लगी जरूर बताइएगा, और उस तरह से आप लोग जरूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, स्वाद दोगुना हो जाएगा, आप मेरा विश्वास करिए, एक बार बना के जरूर देखिएगा। चलिए तो बातें फिर करते हैं अभी, और साथ साथ में मैं जो है काम भी करती हूँ। तो काम वाम हो गया है मेरा, नहलाई धुलाई भी सब कुछ मतलब हो गया, सब कपड़े वपड़े धुल गए हैं, थोड़े से कपड़े ड्राई हो रहे हैं। और अब मैं करने बैठी हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया है गोभी का पराठा, तो एक खाऊंगी, डबल बनाया है। भर के बना रही थी तो थोड़ा सा वो फट रहा था, और अभी मेरे पास बटर पेपर है नहीं, बटर पेपर हो तो उसमें रख के बेल ले तो खराब नहीं होता है ना, तो अभी वो है नहीं, तो मैंने सोचा चलो फिर ऐसे डबल बना लेते हैं। गोभी का पराठा बनाया आज, और अभी सिया की क्लासेस चल रही है अंदर, चाय भी लिया है, बिना चाय के मेरे ब्रेकफास्ट होता नहीं, मुझसे अच्छा लगता है मतलब ब्रेकफास्ट में। जब मैं स्कूल में थी देहरादून में भी, तो मुझे चाय चाहिए होता है था, पहले मैं आया दीदी को बोलती थी कि मेरा चाय ले आओ दीदी, तब मैं ब्रेकफास्ट करती थी, या मतलब अपने आप भी थर्मस में लेके जाती थी स्कूल में। तो मतलब चाय इज़ मस्ट मुझे ब्रेकफास्ट के साथ, तो वही है, वही लेके बैठी हूँ। तो चलिए ब्रेकफास्ट करती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे, मिलती हूँ क्या, मिल तो रही हूँ आपसे, मतलब बाकी काम करते हैं आगे। और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को हलवा की रेसिपी कैसी लगी, और आप लोगों ने बना के देखा कि नहीं। चलिए तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ पहले। लंच हो चुका है हमारा, और आपको दिख रहा होगा मैं बाहर हूँ, अगर मैं बाहर हूँ तो इसका मतलब कहीं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, अभी आपको भी लेके चलते हैं, आपको भी खिलाते हैं आज कुछ जंगल का, ये ऐसे जंगली जंगली जगह है ना, तो मैं भी यहाँ पे आके जंगली बन गई हूँ। तो लेके चलते हैं लंच में, मैंने आज वो काली पीली दाल बनाई थी, काली पीली माँ छोले की दाल बोलते हैं, काली पीली हमारे उधर काली पीली दाल बोलते हैं, चना और उड़द की दाल वो बनाया था, और गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, और मूली की चटनी बनाई थी। तो मैंने कहा क्या ओहो, मैं आज फिर आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई मूली की चटनी, चलिए कोई नहीं करूँगी आपके साथ शेयर। तो चलिए लेके चलते हैं आपको, हम कहाँ जा रहे हैं आपको भी ले जाती हूँ मैं, देखते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं, और ये जो क्वार्टर्स दिख रहे हैं ये स्कूल के जो 4 क्लास स्टाफ हैं उनके क्वार्टर्स हैं। तो चलिए अब इधर से चलते हैं, और ये रास्ता मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ऐसा नहीं कि आपको पहली बार ही मैं दिखा रही हूँ, पंकज आगे आगे चले हुए हैं। तो बस थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, फिर जंगल में से जंगली बन के, अब देखिए आज क्या ढूंढने आए हैं हम। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये तो आप पहचान ही गए होंगे क्या है, पहचान गया ना। तो चलिए अब देखते हैं, पंकज को लगता है मिल गया है, मिला क्या, थोड़े हैं मिले पर दिखाओ तो सही, इधर ये देखिए, पहचाना आप लोगों ने, पहचान ही गए होंगे, वही जिसे खाने के लिए प्रभु श्री राम को जो है सबरी ने दिए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाइए, नीचे मुझे दिख रहा है बहुत सारे हैं, ये देखिए, ये तो अब आप पहचान ही गए होंगे, और बहुत ही अच्छा। बड़े मीठे
बचपन की याद आ गई। देखिए बेर, पहचान ही गए होंगे अब तो आप इसको। अभी देखिए हम और आगे बढ़ गए यहाँ से, हमारा मन नहीं भरा उस वक्त, थोड़े कच्चे थे असल में, तो थोड़े पक्के की तलाश में हम चल रहे हैं ऐसे यहाँ पे जंगलों में, जंगली बन के। तो ये देखिए दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, इसमें काफ़ी सारे पक्के पक्के भी हैं। ये देखिए ऑरेंज वाले हैं पक्के हुए, खूब सारे मिल गए हमको यहाँ पे। ये देखिए पंकज तोड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे हैं पक्के वाले, उसमें भी देखिए कितने सारे पक्के पक्के हैं, आपको दिखाऊं मैं? ये देखिए, चलिए मैं भी तोड़ती हूँ एक दो। वाह वाह वाह, कांटे बहुत होते हैं लेकिन ध्यान से, एक भी कांटा लग गया तो ये देखिए, ओ वाह वाह वाह, ये देखिए मैंने तोड़ा है ये आप लोगों के लिए, आप लोग खा, अरे इसमें तो चींटी खा रहा है, ये मत खाइए आप लोग, इसको चींटी खा रहा है, चींटी के लिए छोड़ देते इसको। ये हम तोड़ते हैं आप लोगों के लिए, ये वाला देखिए कितना अच्छा है, वाह ये देखिए, ये वाला जो है आप लोग ये वाला खाइए, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। देखिए ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा और ये वाले जो बेर है ना, ये आपको दिख रहे होंगे, पंकज कह रहे हैं ये गलगोटू है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, गलगोटू कह, वो कह रहे कि गले में लगते हैं, जैसे कोई कोई गागले लगते हैं ना गले में, तो उसी टाइप जो है दो तीन बेर तोड़े, अच्छा लगा मेरा। अच्छे हैं, थोड़े से कसेले कसेले टाइप के हैं, ठीक है, पर और भी है मेरे पास बहुत सारे। देखिए आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, देखते हैं खा के कैसे है। ये बड़े मीठे हैं। स्कूल की याद आ गया, तो बचपन याद आ गया, मजा आ गया। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, इसमें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, देखिए काफी सारे लगे हुए हैं, मैंने पंखे को कहा रहने दो पकने दो, उसको जब पक जाएंगे तब तोड़ लेंगे, अभी ऐसी क्या जल्दी है। देखिए वो पीछे बस वो तो लगे हुए हैं तोड़ने में, और यहाँ पे ना मैं आपको आवाज आ रही है, देखिए चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया है नीचे बैठ के, कुछ दाना वाना खा रही है, कुछ मिला होगा ऐसे कुछ खा रही होंगे वो, तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो आ गई हूँ मैं घर एक्सरसाइज करके हम लोग, तो अभी काफी अच्छा लग रहा है, और अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock हो रहा है, और चाय तो जो है बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो कितना भी देर हो चाय जरूर पीऊंगी, वैसे भी अभी 6 ही बजे हैं, अंधेरा ऐसा हो गया है कोई नहीं, पर अभी टाइम 6 ही बजे हैं, तो चाय पी लेते हैं और आप लोगों को भी पिलाते हैं। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने, देख लीजिए मैं आपको दिखा देती हूँ चाय, नहीं तो फिर मनीष जी कहेंगे कि चाय नहीं पिलाई, और वीना भी, उनको भी बहुत पसंद आया था, वीना जी हैं एक सब्सक्राइबर मेरी, तो उनको भी चाय बहुत अच्छी लगी थी, मुझे वो एक में बोला था उन्होंने, तो आ जाइए आप लोग भी, ये देखिए चाय, आई होप कि आप लोगों को चाय दिख रहा हो, थोड़ा भाप भाप दिख रहा है, चलिए कोई नहीं, तो चाय पीना, ये धुआं हो गया बिल्कुल चाय के से, तो चलिए चाय पीते हैं फिर बनाते हैं सब्जी और करते हैं आप लोगों के साथ शेयर सब्जी को, जल्दी आ जाइए चाय पीते ही। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी, आज बनाएंगे हम मटर पनीर, तो उसके लिए पहले कर लेते हैं थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग, दोनों एक ही चीज़ होती है, तो चलिए बना लेते हैं हम सब्जी। खैर ये मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मोटा मोटा लहसुन और प्याज काट लिया है, और पहले कढ़ाई गरम करके जो है हम वही मसाला बनाएंगे जो मैंने जो है उसके लिए बनाया था, किसके लिए, चिकन डाक बंगला के लिए, ठीक है। तो चलिए ये थोड़े से मैंने इसमें लहसुन, अरे लहसुन, ये लहसुन थोड़ी है, तो इसमें मैंने तेज़पत्ता, लौंग और इलायची, इसको जो है पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है, और साथ में हम डालेंगे इसके अब थोड़ी सी वही अपना जीरा और साबुत धनिया, इसको हम थोड़ा सा मतलब 1 से 2 मिनट के लिए ही ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देख लीजिए सबको मैंने एक साथ ही कर लिया है, और इसके बाद हमें ड्राई रोस्ट करके थोड़ा ठंडा हो जाएगा जब ये, तो ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है। तो इसको हम निकाल के अब साइड में रख लेते हैं, और अब यहाँ पे हो रहा है हमारा तेल गरम। तेल गरम किस लिए हो रहा है, अभी सब्जी नहीं बनेगी, पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने लहसुन और प्याज को मोटा मोटा काटा था, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम में हम इसको भून लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा सॉटे बोलते हैं ना जैसे, उस टाइप से कर लेंगे बस, और कुछ नहीं। और साथ में जब ये हो जाएगा तो हमने इसी तरह से मोटा मोटा जो है टमाटर की ऐसे ही कट कर रखा है, चॉप कर रखा है टमाटर को, बस थोड़ी देर पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे, जब ये मतलब 2 मिनट तक इसको हो जाएगा, तो उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे, मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है टमाटो, वो हम इसमें डाल देंगे, देखिए
तो अब हम टमाटर को कट करने के बाद इसमें हमने डाल दिया, और इसे हम उसी तरह से जैसे हमने पहले लहसुन और प्याज से किया था इसको भी करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और इसके बाद हम जो है गैस की फ्लेम या जो भी जिसमें भी आप लोग बना रहे हैं उसको बंद कर देंगे, और इसको भी अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो हमारा पहले हमने जो ड्राई रोस्ट करे थे मसाले उसको हम पीस लेंगे। ये देख लीजिए पीस के मैंने ये रखी हुई, इसके इतना आप बना के देखिएगा खुशबू बहुत अच्छी आती है। और घर में पनीर आया और पनीर का पकौड़ा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सिया कभी नहीं छोड़ती। तो ये कहाँ गया, मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी जो है वो बाहर गई थी, तो वहाँ पर उसने कहा गया किसी के घर, लेकिन उसने फिर कहा कि मुझे फिर से खाना है। तो मतलब पनीर देखते हैं उसको सबसे पहले होता है कि पनीर पकौड़ा बनाओ सब्जी बाद में बनाते रहना, तो मैंने थोड़े से पनीर के पकौड़े ऐसे जल्दी जल्दी में बना दिए थोड़े से। तो चलिए अब मैं जो है इनको ये सब दे के किचन में जाते हैं और फिर बनाते हैं अपना मसाला। और जो मैंने प्याज लहसुन और टमाटर जो मैंने भुटा था, मतलब कि जिसको फ्राई किया था, उसको मैंने देखिए आप मिक्सी में पीस के रख लिया है। और यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा प्याज और जीरा का तड़का लगाने के बाद अब मटर को हम भून लेते हैं, ठीक है। मटर को जो है हम इतना भूनेंगे कि मतलब जो 60-70% गल जाए इतना ही भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ढक्कन लगा के इसको मीडियम आंच में रख दूंगी। और अब देखिए हमारा मटर जो है हो चुका है, तो मैंने इसमें मसाले लगा दिए। अभी मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी, देखिए कितना अच्छा कलर आएगा। और इसमें फिर उसके बाद हम वो सारे मसाले डाल देंगे जो हमने बनाए थे। ये देखिए मटर जो है काफ़ी हद तक हो चुका है, गल गया है, आप देख सकते हैं कि मटर अच्छे से गल चुका है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने ऊपर से टमाटर लहसुन अदरक और प्याज वाला जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था। एक बात मैं बताऊंगी आपको कि उस तरह से आप पेस्ट बना के ना, जैसे पहले आपने भून लिया प्याज लहसुन अदरक को और जो भी टमाटर वमाटर है, उसके बाद उसका ठंडा करके जब पीस के जो पेस्ट इसमें डालेंगे ना, उसका कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और दूसरी बात कि उसकी जो थिकनेस होगी ना बहुत अच्छी होगी आपकी सब्जी में। अगर आप तरी बनाना चाहेंगे तो सब्जी कभी भी पतली नहीं बनेगी, मतलब बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। तो इसमें देखिए अब मैंने मसाला डाल दिया, हल्दी और ये देगी मिर्च, थोड़ी सी मिर्च और ये कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये मैंने वही मसाला डाला जो हमने बनाया था, वही तेज पत्ता वाला वो वाला, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट अकॉर्डिंग टू सॉल्ट, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि मसाला जो है भुन चुका था। यहाँ पे मेरा जो कैमरा जो था ट्राइपॉड में इस साइड में था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, मसाला जो है उसने तेल छोड़ दिया था, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और काफ़ी जो है हो चुका है। तो अब मैं इसमें पनीर दानी की तैयारी करी। और देखिए आप मैंने पनीर जो है इस तरह से ट्राइंगल ड्राई से भी बोलते हैं इसको, उस तरह से काट रखा है। तो आप जैसा मर्जी आपको पसंद हो उस टाइप से आप काट लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप मेरा सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है, और थिकनेस भी आपको दिख रही होगी कि काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप इसको पानी वाला भी बनाना चाहें ना तो बना सकते हैं, पतला बिल्कुल भी नहीं होगा जिस तरह से। लेकिन हम आप याद रखिएगा कि हमने जिस तरह से मसाला बनाया था, पेस्ट बनाया था, पेस्ट आपको वैसे ही बनाना है, तब आपका ये थिक सा जो है सब्जी बनेगी। तो चलिए बस सब्जी हो चुकी है रेडी। इसमें मैंने जो धनिया डाल दिया, और ये धनिया आपको मालूम होगा कि जो हमने बाहर सब्जी मंडी यानी कि खेत बना रखा है, उसी का धनिया है। और देखिए कितना अच्छा थिक सा जो है सब्जी बनी है, और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो चलिए हो चुका है हमारा डिनर रेडी, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। देखिए सब्जी आप लोग भी इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका जो सब्जी का पेस्ट है वो ऐसा ही बना था। तो डिनर हो गया है हमारा, और मटर पनीर जो है बहुत टेस्टी बना था। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बनाया, उस बनाया नहीं, आप लोगों को नहीं बनाया, मतलब आप लोगों को बताया, उस तरह से आप लोग बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए ये पड़े हुए बेर जो हम आज लेके आए थे, आप लोगों को पता ही है। तो अभी टाइम हो रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा 8:10। तो डिनर हो गया है क्योंकि अब सर्दियां हैं, थोड़ा जल्दी हम लोग खा ही लेते हैं, कभी 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 लेट भी हो जाता है। तो चलिए आ गया है टाटा बाय बाय करने का टाइम। तो अब आप लोगों को लेके चलते हैं बाहर। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से जाइएगा और कोई बेर के ग्राउंड में छूट ना गया हो, सभी आ गए होंगे। तो चलिए ठंड काफी है, रोज जैकेट पहन के आइए जब तक कि मौसम ठीक ना हो जाए। तो चलिए अब करते हैं टाटा बाय बाय। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके टाटा बाय बाय।